आप जानकर शोक हो जाएंगे कि जो भी इस ब्रह्मांड में है, जो भी इस प्रकृति में है, वह सब कुछ हमारे शरीर के अंदर भी है। इस सब के लिए पिंगला नाड़ी एक्टिव रहती है। रिलैक्स मोड में हम जब तक रहते हैं, वो सारे काम हमारे चंद्र नाड़ी के द्वारा होते हैं। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें से 3 नाड़ियाँ मुख्य होती हैं। नमस्कार, आरोग्य योग चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। कोई भी नहीं चाहता कि उनको गुस्सा आए। क्या आप चाहेंगे कि आपको गुस्सा आए? किसी भी व्यक्ति को अगर गुस्सा आ रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है जो समझ में नहीं आता है। हम दूसरे इंसान को जज करने लगते हैं कि इतना गुस्सा करता है, को हम 10 बातें बताने लगते हैं। अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें हेल्प करनी चाहिए। ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। हो सकता है कोई पत्नी अपने पति से परेशान हो सकता है पति अपनी पत्नी से परेशान हो, क्योंकि गुस्सा किसी को भी आ सकता है और बिना वजह घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं गुस्से की वजह से। मान लीजिए कोई बात हुई है, उस बात को समझा जाता है, सारी बातें होती हैं, उसका जो कंक्लूजन निकलता है ये कि मुझे गुस्सा आ गया था, उस वजह से ये सब हो गया है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, गुस्से में मुझसे ये हो गया है। गुस्से में इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं कि मर्डर तक हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि गुस्सा उनके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वे कितना इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं जिसके लिए वो बाद में रिग्रेट करते हैं। लेकिन क्या इस प्रॉब्लम के कोई सॉल्यूशन नहीं है? है, बिल्कुल है। क्योंकि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गुस्सा क्यों आता है। हमारा शरीर, ये पूरी प्रकृति पंच तत्वों से मिलकर बनी है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शरीर में अग्नि तत्व जब बढ़ता है, तब व्यक्ति को उसकी सारी नस नाड़ियां में जो उसका ब्लड है वह गर्म हो जाता है और उसको गुस्सा आता है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 3 नाड़ियां मुख्य होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जितने भी शांति वाले कार्य होते हैं, जो हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, रिलैक्स मोड में हम जब तक रहते हैं, वो सारे काम हमारे चंद्र नाड़ी के द्वारा होते हैं, जो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल के माध्यम से चलती है। चंद्र नाड़ी कहा जाता है, ये ठंडी नाड़ी होती है। शरीर के द्वारा जितने भी शांति वाले कार्य किए जाते हैं, वो सारे चंद्र नाड़ी के माध्यम से किए जाते हैं। जितने भी एक्शन वाले काम होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें एनर्जी की नीड होती है, घर का कोई काम कर रहे हैं, कोई भाग दौड़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जल्दी में हमें कहीं जाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस सब के लिए पिंगला नाड़ी एक्टिव रहती है। ये सभी काम पिंगला नाड़ी के माध्यम से होते हैं, जो हमारे राइट नोस्ट्रल के माध्यम से शरीर को कंट्रोल करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जितने भी कार्य होते हैं, वो पिंगला नाड़ी के माध्यम से होते हैं, क्योंकि पिंगला नाड़ी गर्म नाड़ी है जो बॉडी में गर्मी को बनाए रखती है। इसीलिए इसको सूर्य नाड़ी भी कहा है। हमारी प्रकृति में जो कुछ भी है, वह सब हमारे शरीर के अंदर भी है। आप जानकर शोक हो जाएंगे कि जो भी इस ब्रह्मांड में है, जो भी इस प्रकृति में है, वह सब कुछ हमारे शरीर के अंदर भी है। प्रकृति को गर्मी कौन प्रदान करता है? सूर्य प्रदान करता है। हमारे शरीर को गर्मी कौन प्रदान करता है? हमारी जो पिंगला नाड़ी है, वह हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है, इसीलिए इसको सूर्य नाड़ी भी कहा गया है। प्रकृति को ठंडकता कौन देता है? शीतलता कहाँ से आती है? चंद्रमा हमारी प्रकृति में शीतलता का प्रतीक है। ऐसे ही हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, वह हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है और इसको चंद्र नाड़ी भी कहा गया है। कि आप एक चीज नोट कीजिए, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं और कुछ लोग गुस्से में बहुत गलत कदम उठा जाते हैं, फिर वे बाद में इस चीज के लिए पश्चाताप भी करते हैं। अपने गुस्से पर आपका कंट्रोल होना जरूरी है। हमारा शरीर, मन, इंद्रियां, इन सब पर हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मन इन इंद्रियों के माध्यम से हमसे क्या कार्य करा दे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कोई गलत काम करना? क्योंकि मन में विचार आया, उसको इंद्रियों ने फॉलो किया और उसका रिजल्ट, जैसा कर्म किया उस पर ही
निर्भर करेगा। गुस्से को कैसे शांत करना है, जब भी आपको गुस्सा आ रहा होगा, आप देखना अपने आपके राइट नोस्टल से आप सांसें ज़्यादा आ रही होंगी। आपको कैसे चेक करना है, आप अपने हैंड को अपनी नाक के नीचे रख सकते हैं ऐसे। जब आप ऐसे चेक करेंगे तो आपको एक नोस्टल से सांस ज़्यादा आएगी और दूसरे नोस्टल से नहीं आएगी। जब आप चेक करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि राइट नोस्टल से सांस आ रही है मीन्स आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है और गर्म सांस आएगी इससे। अगर आप चाहते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना तो आपको क्या करना है, आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं। आपको चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा है, आप थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा सा पहले तो पानी पी लीजिए, उसके बाद आपको अपनी राइट नोस्टल को, आप अपनी राइट नोस्टल को बंद कर लेंगे अपने अंगूठे से। और अंगूठे से ही क्यों बंद करना है, इसके पीछे भी साइंस है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी। आप उसको ऐसे बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्टल को से आप सांस लेना शुरू कर देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपकी राइट नोस्टल बंद हो जाएगी और लेफ्ट नोस्टल एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही आप ये क्रिया करेंगे, अपने अंदर आप एक चेंज फील करेंगे। एक तो आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, दूसरा आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ अपनी नोस्टल को चेंज करने का। अगर आप चाह रहे हैं, मान लीजिए आपकी राइट नोस्टल चल रही है और आप चाह रहे हैं लेफ्ट नोस्टल को एक्टिव करना, अपनी बॉडी में जो गर्मी बढ़ रही है उसको शांत करना, शीतलता लाना। आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए अपनी लेफ्ट नोस्टल को एक्टिव करना है, अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है, अंगूठे को ऐसे बंद करेंगे, ऐसे हाथ करेंगे और राइट आर्मपिट के नीचे ऐसे रख लेंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे, ऐसे रखेंगे और ऐसे दबा देंगे। फिर आप हाथ हटाएंगे और आप अपने हाथ को अपने नोस्टल के नीचे ऐसे रखेंगे और फिर चेक करेंगे। आप देखेंगे अभी तक आपकी राइट नोस्टल एक्टिव थी, अब आपकी लेफ्ट नोस्टल एक्टिव हो चुकी है। आपको इसमें कुल 20 से 30 सेकंड लगेंगी। 20 से 30 सेकंड भी मैंने आपको ज़्यादा बता दी हैं। जो लोग रेगुलर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उन्हें मुश्किल से 10 से 15 ही लगती हैं नोस्टल को चेंज करने में। इसीलिए जब भी आपको गुस्सा आए, देखिए गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गुस्सा करने से प्रॉब्लम ही बढ़ती है। एक छोटी प्रॉब्लम होगी वो बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी और कल वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि हो सकता है उसका रिजल्ट जानकर आपको डर लगे और वह आपके कंट्रोल में भी ना रहे। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखें। और ये तरीका मैंने आपको बताया, इसको आप ज़रूर करें। मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ, आप जैसे ही फर्स्ट टाइम आप इसको करेंगे आपको तभी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के साथ, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।